तो पेश है इंसानी शक्ल वाला सांप, सेलिब्रिटी चाय वाला किरण नहीं, डॉली। देख के लग रहा होगा इंडियन ब्रीड है ना? नहीं, मैं नहीं मानता। तो क्या मैं मानता हूँ? मैं भी नहीं मानता। ये मिक्स ब्रीड है, कंप्लीटली इंडिया की नहीं है। गेस करो, चवन्नी दूंगा, चवन्नी। मुझे पता चल गया, पाकिस्तान से। ये क्या है, हर बात है पाकिस्तान? कुछ भी। हाँ देखो ना अर्णब भैया, हर बात है पाकिस्तान, कुछ भी। किशन भाई थोड़ा और नीचे। हाँ किशन भाई थोड़ा और ऊपर नीचे जाओ यार, पाकिस्तान में दुनिया खत्म नहीं होती। अफगानिस्तान ना, ईरान, इराक। अबे तेरी मार का है रागे। अबे कॉन्टिनेंटवा बदलो। तो क्या सहारा डेजर्ट से आया है? सही पकड़े हैं। हाँ सही पकड़े हैं। तो पेशे अजमत, अजमत। हाँ पेशे खिदमत है, सहारा से आया हुआ काला नाग। सहारा के सांप तो बड़े हट्टे कट्टे होते हैं। ये ससुरा तो सूख के बोमबिल हो गया है। ये टपरी की चाय की टपरी सिर्फ नागपुर या इंडिया में ही नहीं फेमस है, बल्कि इंडिया के बाहर भी इसके जलवे हैं। हे बॉस, डू यू नो डॉली चाय वाला? यहाँ से सीधा जाके राइट में। राइट। डॉली चाय वाला? डॉली चाय वाला? We don't know about that. You don't know him? डॉली चाय? तो लाइक का नहीं है। मैं गाल सुन। एस्टेड। स्ट्रेट। शाहरुख खान, where can we find the डॉली चाय वाला? Apparently he's sexier than you. ओए शाहरुख खान, तेरा कलियुग खत्म। अस्सलाम वालेकुम। डॉली भैया से बच के रहना। Hi, how are you? I'm fine. Nice to meet you. Thank you so much. Oh. यही नहीं, अभी और देखिए। Brother. Yes. Where is the famous dolly? Dolly, come here. Dolly. Famous dolly. Hmm. Oh. Hello. Yes. प्रजापति को नहीं। I cannot believe this, yeah? We are finally here. Yeah. Oh, brother. आखिरकार मिल ही गया छपरी डॉली। Oh my days. I've seen you like. अपना सूखा हुआ कंडा यानी डॉली भैया इतने फेमस क्यों हैं? रास की बात है। टेस्ट तो नॉर्मल ही है, हल्का सा इलायची का टेस्ट आ रहा है, बट प्राइस 7 रुपए है, तो 7 रुपए के हिसाब से जैसी चाय आपको आपके गली मोहल्ले में कहीं मिलेगी, सिर्फ 7 रुपए। ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। चाय पीकर तो समझ नहीं आया कि चाय इतनी फेमस क्यों है, बट यहाँ पे आने के बाद एक्सपीरियंस लेके मेरे को समझ में आ गया कि जगह इतनी फेमस क्यों है। रीजन दो ही हो सकते हैं, पहला तो सोशल मीडिया है, आप कुछ भी डालो कुछ भी उठता है। हाँ सही बात है, कुछ भी डालो सब चलता है सोशल मीडिया पे। दिल्ली में मुंबई में ब्लॉगर्स बैठे हैं, वो कहीं से 500-600 रुपए में वीडियो उठाएंगे, कोई भी वो खुद वहाँ पे गए नहीं है, टेस्ट उन्होंने किया नहीं है, एक्सपीरियंस लिया नहीं है। 500 रुपए में वीडियो खरीदो डालो, वायरल हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पर केवल थोड़े बालों का तरीका अलग सा है, कपड़े अजीब से पहन रखे हैं, तो ये चीज देखकर वायरल हो गई, लोग आने लगे, सेल्फी लेने लगे। कैसा बताओ, थोड़ा क्रिंजी रहा, मतलब फनी बोलते हैं लोग, फनी मेरे को नहीं लगा, क्रिंजी जरूर लगा। तो दो तरह की चीजें हो सकती हैं, अगर आप छपरी निबर टाइप हैं तो आप आइए, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप थोड़े सेंसिबल टाइप हैं तो मत ही आइए। बाकी चाय है, अपने पड़ोस में ही पी लो, क्या ही करोगे यहाँ। इनकी सस्ती और मद्रासी स्टाइल की वजह से क्या जला रहा है? क्या कर रहे हो डॉली भैया? सिगरेट जलाओ यार, सिगार नहीं। और तू गुलाबी पहन, दोबारा यहाँ दिखना मत, नहीं तो डॉली भैया से अगर गलती से मिस्टेक हो गया ना तो तू जब हमने सुना कि ये सांप की शक्ल वाला इंसान डांस भी करता है, तो हमने इतना ढूंढा कि जैसे बच्चन साहब और जितेंद्र साहब के लौंडे काम ढूंढते हैं, फिर जाकर हमारी मेहनत रंग लाई और हमारे सामने ये वीडियो प्रकट हुई। आइए, ये सांप जब डांस करता होगा तो डिक तो ऐसा ही चलकता होगा जी, और इस सांप की केचुली के तो क्या ही कहने, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, खुद ही देख लो।
डॉली भैया की लहराती जुल्फों के पीछे एक सॉलिड गहरा राज है बॉस, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। शायद ही कोई इंडिया में ऐसा हो जिन्होंने डॉली भाई को ना देखा हो। और चलो ये तो ठीक है, इनके हिसाब से 140 करोड़ लोग इस छतरी को देख चुके हैं। कब से इतने लंबे पहले से ही? साला इससे पहले मैं इसको जानता भी नहीं था कौन है ये। बढ़ाते गया एक बार मैं सलून गया था, बोला था उनको आईने करके तो सेटिंग करके दो, तब जाके पता चला कि कबील लंबे बाल। भैया कलर भी कराया आपने, कलर दिखाइए एक बार अपने बालों को। तो भाई क्या बाल, राज को बता। नहीं बताऊंगा। अरे चाय पिला दूंगा भाई। क्या चाय? ठीक है, चाय और सुट्टा तुम्हारी तरफ से। हाँ ओके, तो राज की बात चाय सुट्टा याद रखना। हाँ ओके, डॉली का बालों का गुच्छा रखना उसकी मजबूरी है, नहीं तो अगर एक हल्की सी हवा का झोंका भी आया तो ये सूखे झाड़ की सूखी टहनी का सूखा पत्ता नागपुर से अमरावती कब पहुंच जाएगा पता नहीं चलेगा। तो राज की बात ये है कि बॉडी का वेट बालों ने बैलेंस कर रखा है, इसलिए डॉली भैया ने बालों को बढ़ा रखा है। मुलाहजा फरमाया आपने, खोदा पहाड़ निकला और इस काले नाक के चश्मे का साइज तो देखो, 70-80% इनके चेहरे को चश्मे ने ही कवर कर रखा है। हमारे डॉली भैया का घोड़ा छाप बाल और उसके पिछवाड़े का सुहाना रंग देख के लगता है वाह मोदी जी वाह, नहीं वाह डॉली भैया वाह। अबे स्कूल दे स्टाइल डॉली के बालों के पिछवाड़े का सुहाना रंग देख के मुझे याद आता है पिछवाड़ा। नहीं ये नहीं याद आता है। अबे इटर पगला गए हो क्या? ये क्या डॉली भैया के बालों के पिछवाड़े का रंग ऐसा नहीं है, मतलब बालों के पिछवाड़े का रंग ऐसा नहीं है। दोबारा ऐसी गलती मत करना, वरना डॉली भैया के पिछवाड़े मतलब छपरी स्टाइल की कसम बहुत मारूंगा। और ये स्टाइल वगैरह ये कहाँ से इंस्पायर हुआ? साउथ की मूवी देखता रहता हूँ। ओके, जैसा ज्यादा करके तो रजनीकांत जी को बहुत फॉलो करता हूँ मैं। रजनीकांत जी का वो तो भगवान है अपने। ओके, Can you explain to me about like the style? Like why does he pick this style? देखो सबसे ज़्यादा तो मैं साउथ की मूवी देखता हूँ, तो वहाँ के अल्लू अर्जुन है हाँ उनको फॉलो करता हूँ, और सबसे ज़्यादा तो मेरे वाले जैक स्पैरो हैं, कप्तान जैक स्पैरो, yeah. Johnny Depp. Pirates of the Caribbean. Yes, I see it. I see that. So that's his inspiration. अबे पल्टर कबूतर, बिन पिंदे का लोटा, कभी रजनीकांत, कभी अल्लू अर्जुन, तो जैक स्पैरो। कभी फिल्मों में काम करूंगा तो कभी नहीं करूंगा, सिर्फ चाय बेचूंगा। और आपको मूवी में चांस मिला तो जाओगे पक्का? हाँ बिल्कुल, कभी भी जाऊंगा, पर उसके लिए भी मेरे को घर में पूछना पड़ता है। ओके, हाँ घर से परमिशन लेना जरूरी है। ओके, तो साउथ की मूवी में जाओगे या बॉलीवुड में जाओगे? साउथ के ही जाओगे। ओके डॉली भाई, डू यू वांट टू बी एन एक्टर? नहीं नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ चाय बेचने का है। यस ओनली टी, ओनली टी। हां बाय डॉली को ना चाय वालों का स्कोप पता चल गया कि वो घंटों स्टेज पे भाषण दे सकते हैं, लोगों को बिजनेस स्टार्ट करा के दे सकते हैं, जन कल्याण कर सकते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं MBA चाय वाले की बात कर रहा हूँ। डॉली भैया अगर एक बार सेलिब्रिटी मोड में घुस गए तो घसीस घसीस के खींच खींच के निकालना पड़ता है। ए देखो भगवान के सामने भी सेलिब्रिटी मोड। अरे उनको किधर हाई कर रहे हो तुम? अरे उनको किधर हाई कर रहे हो तुम? दोस्तों डॉली भैया दिल के बड़े साफ और अच्छे इंसान हैं, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए बनाया गया है, तो किसी को हेट मत करो और साथ में लाइक वाइक भी कर दो। डॉली भैया सेलिब्रिटी तो आप ही हो, आप ही बोल दो। और देखो हाँ प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना और प्लीज इस्क्राइब करना है। इनका मतलब है सब्सक्राइब करो, शेयर करना है, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए।